हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबको हिंदी आता है? यहाँ आता है, आती है, पता नहीं मुझे, आता है। ओके, मेरा हिंदी इतना ही है। हिंदी में प्रयास करेंगे क्योंकि सबको हिंदी आता है, मुझे नहीं आता है लेकिन प्रयास करूँगा। हाँ, हिंदी की जनसंख्या ज़्यादा है तो हमको भी सीखना पड़ेगा। ऐसे ही सीखेंगे ना, नहीं तो कैसे सीखेंगे। एक मिनट, मधुर गौरंग प्रभु है, मुरारी प्रभु है, ये सब मेरे से बड़े हैं, लेकिन आज ये सेवा है, ऐसे उनके ब्लेसिंग्स के साथ प्रयास करेंगे। दो मिनट। ना हिंदी ओनली हियर, इंग्लिश यू कैन गिव इन इंग्लिश। ओके, दिस 2 मिनट्स आई एम सेंडिंग, दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग टाइम। ओके, ओ भागवतम भागवतम। ओके, फर्स्ट लेट मी पुट माय फोन इनसाइड। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यामुन तीरा गणचारी, यामुन तीरा गणचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सब लोग गाइए, सब लोग सुनाई दे रहा क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सबको हमारा भानुवार का शाम का कार्यक्रम के लिए सबको वेलकम। मैं थोड़ा इधर हिंदी इंग्लिश थोड़ा दो तीन हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा, तब तक थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ओके हम दो हफ्ते पहले श्रीमद् भागवतम शुरू किया हमने। भागवतम है भागवत पुराण। कितने पुराण हैं? ओके और कुछ एक और आंसर है क्या? बारह के अलावा अठारह मुख्य पुराण है। उसमें छह सत्वगुण के पुराण हैं। तीन तरह के गुण है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण में छह, रजोगुण में छह और तमोगुण में छह। तमोगुण में छह के मतलब है कि जो तमोगुण में है उनके लिए, उनका अभिवृद्धि के लिए वो पुराण दिया गया है। तो ये सत्वगुण सब जो लोग हैं उनको तमोगुण से रजोगुण में आना है, रजोगुण से सत्वगुण में आना है। वही जीवन का एक आरंभ में वही मकसद है, क्योंकि जब हम सत्वगुण में आते हैं उसके बाद में ही हम भगवान का भक्ति ये सब हम कर सकते हैं। सबको यहाँ भक्ति चाहिए ना, भक्ति पता है सबको क्या है? भक्ति, भक्ति का मतलब क्या है? हाँ यस, पूजा करते हैं बाबा। किनको पूजा करते हैं, किनका पूजा करते हैं? कौन सा भगवान को? कृष्णा भगवान को। वेरी गुड। हाँ कृष्णा भगवान में ऐसे प्रभुपाद जी ने एक बार ऐसे ही इतना ही छोटी लड़की, उसका नाम सरस्वती था, तो बहुत सारे बड़े बड़े भक्त थे। तो प्रभुपाद जी पूछते कि उसको वो बुला के पूछते कि कृष्णा कौन है,
बहुत आसान से बोल रहे, कृष्णा भगवान है, क्या करना है, उनका पूजन करना है, बस हो गया। सब शास्त्र में, वेद में जो भी है, सब नान का सार ये है कि हमको कृष्ण भक्ति करना है। तो भक्ति, प्रभुपाद जी ने एक चेंज किया उसमें, उसमें क्या किया कि भक्ति के साथ उन्होंने क्या किया, भक्ति सेवा ऐसे किया। सेवा का मतलब क्या है, कुछ करना है हमको, है ना। भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम बैठे अभी ध्यान में है, हम अभी कुछ मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये है वो तो बहुत आगे वाले स्तर है। लेकिन हमको क्या है कि भक्ति में नवविध भक्ति बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम, ये दो हमें बहुत मुख्य है हमारे लिए। तो ये भागवत पुराण को हमको श्रवण करना है और कीर्तन करना है। हाँ, तो हम एवरी संडे हम क्या करेंगे, श्रवण करेंगे, और हम घर में घर जाके क्या करेंगे, फिर इसका कीर्तन करेंगे। किनको, जो भी आपका फ्रेंड्स है, आपका रिलेटिव्स है, जो भी आप यहाँ सुनेंगे उसको वहाँ जाके उनके साथ शेयर करना है, बस वही कीर्तन है। उतना करेंगे तो भगवान हमसे बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली अभी अगले हफ्ते 18 को चैतन्य महाप्रभु बोल के, एक्चुअली वो भगवान के छन्ना अवतार बोलते हैं। हाँ, छन्ना का मतलब है रहस्य, सीक्रेट। तो वो स्वयं कृष्णा है, लेकिन आते हैं कलयुग के आदि में, अभी 500 साल पहले आए थे वो। आके उन्होंने बहुत सरल बात की, बोली कि जो भी है मनुष्य, उसका कर्तव्य क्या है, कृष्ण के बारे में दूसरे लोगों को बताना, जिनको पता है उनको दूसरे लोगों को बताना है, बस उतना ही है कृष्ण भक्ति। तो हमको ये श्रवण करना है। श्रवण से क्या होता है, श्रवण दो तरीके का होता है। हाँ, हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से छोड़ देते हैं, इसीलिए हम ये पहन देते हैं क्योंकि वो बाहर नहीं जाएगा। हाँ, तो यहाँ जाके, यहाँ से जाके कहाँ जाना है, उसको अंदर जाना है। हाँ, अंदर जाना है, देखिए उसको सब कुछ पता है। हाँ, और नेक्स्ट टाइम से वही क्लास देगी। हाँ, मैं वहाँ बैठ के सुनूंगा। हाँ, तो ये सब हम जो सुनते हैं उसको हमको थोड़ा अंदर, उनको उसको अंदर जाना है। क्यों अंदर जाना है, हृदय के अंदर क्या है, हमारे हृदय में अच्छा है क्या, नहीं हृदय अच्छा है हमारा। हाँ, हम आते लोग हैं बहुत सारे, हम बाहर कुछ कचड़ा है तो क्या करेंगे हम, साबुन। कौन सा साबुन, सब है, महीने में एक बार चेंज करेंगे, है ना, बोर हो जाएगा, वही साबुन रोज कौन यूज करेगा। ठीक है, बाहर का तो कचरा हम निकाल लेंगे, अंदर का, अंदर क्या है। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये है अंदर, अंदर इसको निकालना है हमको। इसको नहीं निकालेंगे तो हमारे तरफ देखेंगे नहीं भगवान। भगवान किनके तरफ देखेंगे, जिनके हृदय निर्मल है उनके तरफ देखेंगे भगवान। तो हमको क्या करना है कि इसको श्रवण करके, ये क्या है, घिसने का प्रोसेस है, घिसना बोलते हैं ना, ठीक है ना। हाँ, क्लीनिंग प्रोसेस, वो जब हम सुनते हैं तो अंदर जो भी हमारा हृदय में है, सब जो हम अनर्थ बोलते हैं, अनर्थ, अर्थ का मतलब क्या है, जो अच्छा है वो अर्थ है, जो अच्छा नहीं है वो अनर्थ है। तो अनर्थ को हमको निकालना है, निकालना है। कलयुग में भागवतम में आगे बोलेंगे, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुतः। कलयुग में लोग क्या है, छोटी सी कुछ बात होगी तो हो गया, युद्ध शुरू। तो ये कलयुग का है, पहले पिछले युग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग ऐसे नहीं थे लोग, ये कलयुग का विशेष गुण है। तो ये सब हम कल्म अनर्थ बोलते हैं, ये इस सब को निकालना है हमको हमारे हृदय से। तो ये सब निकालने का प्रोसेस क्या है, श्रवणम कीर्तनम। तो भागवतम, भागवत श्रवणम एक है, और दूसरा जो है हरे कृष्ण महामंत्र है, हम अभी जप कर रहे थे, इतना आनंद में सब गा रहे थे ना। उतना ही है भक्ति, भगवान की भक्ति सेवा इतना ही है। हम चार आइटम बोलते हैं, भगवान तीन, भगवान की भक्ति,
का मतलब क्या है, ABCD। ए का मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन, नहीं संग, सत्संग, सत्संग, ये सत्संग। बी बुक्स, ग्रंथ, कौन सा पढ़ना है, भगवत गीता, भागवत, ये पढ़ना है। बी सी जप, जप करना है हमको, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। विशेष रूप ये कलयुग में हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र का वो मंत्र हमको दिया गया है, क्योंकि हर युग में हमको जो शास्त्र में दिया गया है वही मंत्र हमको जपना है। हमारे मन में जो भी आते हैं वो हम जप नहीं सकते, तो कलयुग में, कलयुग के लिए विशेष रूप से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र बोलते हैं। मंत्र का मतलब क्या है, किसी को पता है मंत्र? हरे 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 राम 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 हरे हरे, मंत्र का मतलब है मंत्रायते इति मंत्रः। हमारा मन को क्या नियंत्रण, काबू में रखना है। हमारा मन यह काबू में है क्या? अभी कहाँ है हमारा मन? अभी कहाँ है? संग में है, संतुष्ट, संग में है तो हो गया आपका काम। लेकिन मन यहाँ नहीं रहता है ना, बिजनेस है ना आपका, सब बहुत सारे, कल सोमवार है, बिजनेस, हमको तो कुछ बिजनेस नहीं है, हमको यही बिजनेस है। लेकिन आपके मन में चलता रहेगा क्या है, कल क्या करना है, कौन सा किसको डिलीवरी है, ये है वो है, जो भी है आपका बिजनेस के हिसाब से। और मन एक जगह नहीं रहता है ना, वर्ल्ड टूर करके आ जाते हैं बहुत आसानी से, कुछ पैसा नहीं देना है ना, फ्री वर्ल्ड टूर। सो मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते इतनी आसानी से, इसलिए अर्जुन भगवत गीता में कृष्ण को बोलते हैं, अरे बाबा ये क्या है, पीरुगाड़ी गेन हेल्थ प्रभु, भवन, ओके, वायु, वायु को नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन मन को नियंत्रण नहीं कर सकता है। तो कृष्णा बोलते हैं हाँ सही है, लेकिन मार्ग है, मार्ग है, वो मार्ग क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से क्या होता है, मन, हमारा मन नियंत्रण में आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमको जो करना है वो हम पहले शास्त्रों से सीखते हैं, फिर उसके बाद उसके हिसाब से हम जीवन बिताते हैं। ऐसे नहीं कि मन, क्या बोलते हैं वो, मन, मन में जो भी आता है करता है, उसको क्या बोलते हैं, मनमानी, मनमानी नहीं करना है ना। हाँ मैं भी थोड़ा हिंदी सीख लूंगा अभी। हाँ, मनमानी नहीं करना है हमको, जो शास्त्र में हमको बोला गया है उसके हिसाब से हमारा जीवन को हमको बिताना है। तो ये नियंत्रण करने के लिए, मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए हमको श्रवण करना चाहिए, श्रवण, तो भागवत श्रवण और हरे कृष्ण महामंत्र का जप, तो वो सी हो गया। और डी, डी का मतलब डाइट, क्या डाइट करेंगे? नहीं, आपका वेट को रिड्यूस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, डाइट का मतलब है भगवान का प्रसाद। तो ये ABCD, भक्त, सत्संग, भगवत गीता, भागवत श्रवण, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, और चौथा भगवत प्रसाद, इतना लेंगे तो हो गया भगवान की भक्ति। आसान है ना, मुश्किल है क्या? हाँ, सब कर सकते हैं, कोई है यहाँ नहीं कर सकते बोल के, कोई है हाथ उठाए, क्यों नहीं हो सकता वो मुझे समझना है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, बहुत आसान का बात है। कोई बोल रहा है क्या हिमालय जाओ, सब काम छोड़ो बोला क्या आपको? हाँ, धंधा क्लोज करो कल, कल से जान जाएगी, लेकिन धंधा नहीं क्लोज करेंगे। कृष्णा ऐसे नहीं बोल रहे कि धंधा क्लोज करो, नहीं बोल रहे कृष्णा, क्या बोल रहे कि तुमको जो धंधा है, और आप लोग क्या है ना, आप वैश्य है, आपका वृत्ति, इसको एक्चुअली शास्त्र में क्या बोलते हैं, वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं, आप, आपके वृत्ति एक्चुअली सही वृत्ति में लगे हैं आप, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। लेकिन साउथ इंडिया में क्या होता है, हमको कुछ वृत्ति वृत्ति ऐसे नहीं है, सब लोग सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर लोग, ये तो शूद्र का काम है। तो आप तो सही कार्य कर रहे हैं भगवत गीता के हिसाब से, तो कृष्ण बोल रहे हैं कि वो करो, उसमें जो भी लाभ आता है उससे भगवान की सेवा करो बस। अभी हमारा रमन सिंह प्रभु लास्ट वीक आए और बोले प्रभु नेक्स्ट टाइम का प्रसाद हम हमारे तरफ से, और उनके भाई आते थे भैया की तरफ से, इतना ही है, यही भक्ति सेवा है, हो गया काम। तो ये चार चीज जब हम करते हैं तो हम भगवान के भक्ति में लगे हुए। तो लास्ट वीक हमने
पहला श्लोक खत्म किया, आज दूसरा श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओके, जिनको पता है श्लोक वो पुनरुच्चार कर सकते हैं। धर्म प्रोचित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं अत्र वस्तु शिवदं पापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवापरैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। धर्म प्रोचित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवापरैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, धर्म प्रोचित कैतव, कैतव धर्म ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ ये तीन श्लोक, पहले तीन श्लोक है जो भागवतन में, वो भागवत शुरू होने से पहले क्या बोलते हैं, पूर्व पीठिका, इंट्रोडक्शन, परिचय ऐसे। तो जो ग्रंथ में क्या है विषय उसके बारे में बोल रहे हैं। पहले श्लोक भगवान कृष्ण के बारे में, कृष्ण का स्थान क्या है वो हमने दो हफ्ते सुना, क्योंकि कृष्णा देवोत्तम परम पुरुष है। रूपा जी ये पद भी उन्होंने ये किया, क्योंकि भगवान का मतलब सब नहीं जानते, इसलिए वो बोले कि देवोत्तम परम पुरुष है भगवान। षड ऐश्वर्य है भगवान, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रीः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णं भगवती गणा। तो भगवान का छह गुण है जो भगवान में संपूर्ण है। इसमें दो है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आता है, कि एक ऐश्वर्य है और वैराग्य है। अगर आपके पास ऐश्वर्य है तो वैरागी हो जाएंगे क्या, कल सब दान दे देंगे। कृष्ण एक ही है जो सब ऐश्वर्य उसके पास है, लेकिन सबको त्यागने के लिए वो त्याग देता है। वो उसको कुछ ये नहीं है कि लगाव नहीं है किसी के, किसी विषय के ऊपर। और वो स्वराट है, अभिघ्न। स्वराट के मतलब है कि पूर्ण स्वतंत्र है, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते सर। और सब जानते हो, अभिघ्न सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे हम भगवान के गुण लक्षण के बारे में लास्ट पहले श्लोक से हमने बहुत कुछ विषय सीखा। अभी इसमें क्या बोल रहे, धर्म प्रोचित कैतव, कैतव धर्म। जब हम पूजा करते हैं घर में, तो आप किसी को बुलाते हैं क्या, पुजारी, या क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ पंडित, पंडित को बुलाते हैं। पंडित क्या बोलते हैं, एक बोलता है मंत्र में, आपने सुना होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम, ऐसे सुना है कभी? धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध्यर्थम चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। चतुर्विध, चतुर्विध फल है, क्या है यहाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है, हम सबको धर्म करना है ना, हाँ सब हाँ बोलते हैं। सनातन धर्म है, ओके प्रभु जी बोल रहे सनातन धर्म, ठीक है सनातन को एक मिनट के लिए थोड़ा साइड में लगते हैं। धर्म का मतलब क्या है, सरल, बहुत सरल हिंदी में, किसी की सेवा करना धर्म है, ओके कर्तव्य, ओके ओके। एक छोटा सा उदाहरण, शक्कर, शुगर, शुगर का धर्म क्या है, हाँ मीठा, कभी चेंज करता है क्या शुगर, अरे बोर हो गया, हाँ ये क्या रोज रोज मीठा कैसे हो, कल से कुछ और चिल्ली तीखा कुछ और हो जाऊंगा, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये उसका धर्म है मीठा रहना, हाँ स्वभाव, वो हमारा स्वभाव है। धर्म क्या है कि दो धर्म बोलते हैं, प्रभु जी ने एक बात किया कि सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म के मतलब क्या है कि हमारे जो वर्ण है, चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम है ब्रह्मचर्य
गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इसके हिसाब से हमको एक वृत्ति वृत्ति में लगना है। वो जो शास्त्र में दिया है उसके हिसाब से वृत्ति में लगने के वो उसको वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। और सनातन धर्म क्या है, ये शक्कर की जैसा है, सबको वो करना है, वो सबके स्वभाव में है। और सबके स्वभाव में क्या है, भगवान का भक्ति है, लेकिन हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। सब ये भौतिक जगह में जगत में क्या हम क्या ढूंढ रहे हैं, सब लोग यहाँ वो छोटी बच्ची से सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम इस जगह जगत में क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चाहिए आपको? प्रेम प्रेम, ओके प्रेम, शांति शांति, सुख सुख। सो सबको ये सुख, कन्नड़ में संतोष बोलते हैं सुख, सबको एक ही चाहिए ना, यही चाहिए। आप जो भी करेंगे अंत में क्या चाहिए आपको, ठीक है? लोग बोलते हैं कि हम मुझे मन की शांति चाहिए, ठीक है, संतुष्ट हो जाएंगे क्या मन की शांति से? जब शांति नहीं है तो मन की शांति चाहिए, जब शांति मिल जाएगी तब आगे कुछ चाहिए ना, हमारा तो लिस्ट खत्म नहीं होगा। माता जी क्या, माता जी कुछ बोले नहीं? हमको भी बोली। सो हमको जीवन में सुख चाहिए, सुख संतोष ये चाहिए हमको। तो ये धर्म जो है, धर्म को हमको धर्म कैसे करना है कि एक्चुअली हमको वो सुख जो चाहिए वो हमको मिलना है, उसके हिसाब से हमको धर्म करना है। लेकिन वो लोगों को पता नहीं, अभी लोग किसके लिए किस कारण धर्म करते हैं, धर्म से क्या आता है, धर्म से अर्थ आता है। धर्म का जो धर्म का वृत्ति, जब हम धर्म का वृत्ति में लगते हैं तो क्या आता है, पैसा आता है, अर्थ। अगर आपको कोई बोलेगा कि अर्थ नहीं मिलेगा, काम करेंगे क्या, क्यों करेंगे, पागल है क्या? सीधी सी बात है ना, अगर पैसा नहीं है तो कौन काम करेगा, करेगा कोई? हमारे भक्त जो लोग हैं ना यहाँ, वो करते हैं भगवान के लिए, भगवान कुछ नहीं दे रहे उनको, पैसा नहीं दे रहे भगवान, दे रहे क्या? मुरारी प्रभु हफ्ते के पहले भगवान आके ये लो तुम्हारा सैलरी, क्या बोलते हैं सैलरी हिंदी में, तनखा, सीख रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस। तो लेकिन वो विशेष है, उनके बारे में बात नहीं करना है ना, नहीं तो हम भी वैसे हमारा कलर चेंज करना पड़ेगा। प्रभु जी तो अभी सैफरन में आ गए, नहीं नहीं ठीक है, प्रभु रेडी बोल रहे, आंख से इशारा कर रहे, रेडी हूँ। तो ये अर्थ के लिए हम काम कर रहे हैं, है ना? अर्थ क्यों चाहिए, क्यों चाहिए अर्थ, जीविका तो क्या चाहिए आपको जीवन चलाने के लिए? अरे वो तो जीवन चलाने के लिए नहीं है, आपको तो नहीं चाहिए ना, आपका धंधा जो है आपका वो आगे वो ही करेगा ना, बच्चा कुछ धंधा है तो, है ना? ठीक है ठीक है, पढ़ाई कर लेंगे, ओके पढ़ाई के लिए कुछ धन, और क्या, और किसके लिए? हाँ घर चलाने के लिए क्या क्या चाहिए थोड़ा? अभी नहीं, देखे आ गया बाहर, प्रभु जी को, प्रभु जी के नेक्स्ट टाइम से यहाँ बैठेंगे, फिर क्लास अच्छी तरह से चले, परफेक्ट है, आप जैसे है तब। वेरी क्लियरली, सो ये जीवन बिताना है क्या, सिर्फ जीवन जीवन चलाना है? हाँ क्या चाहिए, खाना चाहिए, है ना, खाना चाहिए, और कपड़ा चाहिए, कपड़े, फिर एक रहने के लिए एक मकान चाहिए। ए एक मिनट रुकिए ना, आ रहा हूँ। मकान भी कैसे है, किस तरह के मकान? हाँ बंगलो चाहिए, बंगलो, अरे क्या भाड़ा है, भाड़ा, भाड़े की घर में, अरे क्या दिमाग खराब हो गया क्या? तो अर्थ हम किस लिए, और किसी ने क्या बोला, आईफोन, ये फोन वो फोन, आपके बारे में
तो अर्थ के लिए, अर्थ ये सब अर्थ है। हाँ ये सब, ये कभी भी खत्म नहीं होता है क्या? कभी खत्म हुआ है? हाँ आपको कभी लगा कि अच्छा बहुत हो गया, हम खत्म हो जाएंगे, इच्छा ना खत्म नहीं होंगी? तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। प्रभु जी, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब कलयुग में बिना धर्म के, अभी धर्म का क्या मतलब है, पहले क्या करते थे लोग, हफ्ते में एक दो बार तो मंदिर जाते थे, एक दो बार एटलीस्ट, कनिष्ठ पक्ष दो बार तो जाते थे, क्योंकि वो संस्कृति था हमें कि मैं कुछ कर रहा हूँ, भगवान को नमस्कार करके काम जाने से पहले, कुछ भी हफ्ते में एक दो बार जाते थे। रूपा जी बोलते हैं कि जब धन धर्म के बिना मिलता है, मतलब क्या है कि आपको भगवान के सामने खड़े होके मांगने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ रहा है धन, वो कलयुग का विशेष गुण है। जो भी भगवान का कुछ उनको लेना देना नहीं है, बहुत धनी रहते हैं, आराम से जीवन बिताते हैं ना। हाँ नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन है, बहुत सारे हैं लोग जो आज धन कमा रहे हैं, बहुत सारे धन है, लेकिन कभी भी वो मंदिर नहीं जाते, भगवान का कुछ करते नहीं है। नहीं वो हम डिटेल्स बाद में देखेंगे, है ना, पर क्या मतलब क्या है कि हमको पता नहीं, पूर्व संचित है, तो हम क्या सोच रहे हैं, मैं कर रहा हूं मुझे मिल रहा है, हाँ क्यों चाहिए, वो तो है, वो तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ कर्म कर रहा है, कर्म कर रहे हैं, नहीं कर्म कर रहे हैं, धर्म है। तो मैं क्या बोल रहा था कि कर्म कर रहा है, पैसा आ रहा है, भगवान का क्या जरूरत है, भगवान का कुछ जरूरत नहीं है ना। तो जब ये धन आता है, अर्थ आता है, बिना भगवान की भक्ति, भगवान कुछ श्रद्धा, ये सब कुछ नहीं चाहिए, ऐसे आ रहा है, तो क्या होते हो जाता है, लोग नास्तिक हो जाते हैं। तो इसलिए पहले क्या था, धर्म के हिसाब से अर्थ कमाओ, अर्थ से काम, जो हमको ये सब क्या इच्छाएं जो है उसको पूर्ण करने के लिए धन चाहिए जरूर। वेद में ये इतना तो अलाउड है, लेकिन धर्म के हिसाब करना है अभी। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि कलयुग में लोगों को धर्म क्या है उसका मतलब नहीं पता नहीं है। वेदों में क्या बोलते हैं कि तीन तरह के कर्म बोलते हैं, कर्म बताया गया है। एक जो कर्म है, कर्म का मतलब क्या है, जो वेदों में बताया गया है कि ये कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो उसको कर्म बोलते हैं। जो वेदों ने नहीं बताया है, मत करो बोल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, विकर्म बोलते हैं, विकर्म विकर्म। प्रभु जी की एक बात बोल रहे थे कि संचित कर्म, संचित कर्म का मतलब क्या है कि जब हम पैदा होते हैं, हाँ जब हम पैदा होते हैं तो क्या करते हैं, सब ज्योतिष के पास जाते हैं। हाँ क्यों जाते हैं ज्योतिष के पास, कुंडली सबके पास है ना, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली बनाने के लिए। क्यों जन्म कुंडली बनाना है, क्योंकि हमारा जीवन में जो भी होगा सब कुछ वो पूर्व लिखित है, लिख दिया है भगवान ने, उसको समझने के लिए और उसके हिसाब से जीवन बिताने के लिए। तो ये सब हम, ये मेरा फ्लो ऑफ थॉट भूल गया मैं। तो ये धर्म अर्थ काम, इस ये जीवन इससे खत्म नहीं होता है। वो जो पूर्व संचित है उसके हिसाब से हमको जो भी अर्थ मिलना है, जो भी काम मिलना है, वो उसके हिसाब से मिलेगा हमको। लेकिन क्या मुख्य विषय क्या है कि हम कैसे जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि ये हमारा अगले जन्म का, हम अभी कर्म कर रहे हैं, उसका फल कब मिलेगा हमको, अगली जन्म में। तो हाँ जरूरत नहीं है, लेकिन मिल सकता है। जनरली हम बोलते हैं कि हम जब कर रहे हैं, तो वेद में क्या बोलते हैं कि विकर्म जो है, अगर आप सोचिए कि आपके लाइफ में आज इतना ही है, इतना ही संतुष्ट संतोष है, उससे ज्यादा हमको आपको मिल नहीं सकता। ऐसे आपका, अगर आपका चार्ट में ऐसा है और आप विकर्म के द्वारा अगर आप संतोष खुशी रहना रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं,
उसका मतलब क्या है कि वो वेद के हिसाब से अलाउड नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं। उसका क्या उदाहरण दे सकते हैं, कलयुग में पहले जो मद्यपान करते थे, मद्यपान क्या बोलते हैं हिंदी में, नशा पीना, ये पहले लोग घर में नहीं करते थे, है ना, बहुत थोड़े लोग करते थे, थोड़े लोग करते थे, वो भी घर से बाहर। घर के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। अभी क्या हो गया, अभी लोग क्या करते हैं, घर में बैठ के पीते हैं, घर में बैठे बैठ के पीते हैं, उसके रूम बनाते हैं। हाँ, उसके लिए क्या बोलते हैं वो, क्या क्या कैबिनेट, क्या बार हो, क्या बोलते हैं उसको, नहीं लेकिन कुछ और नाम है उसके, नहीं बट हाउस, इन द हाउस इफ यू डू देयर सम अदर नेम, एनीवे ठीक है जो भी। हाँ, उसका डिटेल्स में हमको जाने का जरूरत नहीं, लेकिन ये क्या हो गया, ये हमारा अभिवृत्ति है। हाँ, कौन बाहर जाके बैठ के, वो वहाँ लाइट भी नहीं रहता है, ये वो किसी को मुंह, ये नहीं चाहिए, घर में अभी आराम से सबके साथ सामने। ये क्या है, ये संस्कृति है क्या, ये संपूर्ण विकर्म है। मद्यपान, मांस खाना, ये सब वर्जित है, वर्जित है, क्योंकि इसको, ये विकर्म है, विकर्म है, सिर्फ बहुत कम लोगों के लिए ये दिया गया है शास्त्रों में। वो जिनको, वो सब हम बाद में समझेंगे, लेकिन इसका क्या क्या है कि हम जैसे भी चाहिए, हमको जैसे अच्छा लगता है उस हिसाब से और उस तरीका से हम खुशी संतोष प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कलयुग में। तो वो विकर्म है, तो इसलिए क्यों, क्या होता है कि हमारा जीवन में संतोष नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम धर्म ही नहीं पालन कर रहे। तो भागवत, ये धर्म अर्थ काम का मतलब क्या है कि आखिर में, नहीं, कैंडल 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 कैंडल, सम कैंडल गॉट यहाँ बाहर। हाँ, तो धर्म अर्थ काम करने से करने के बाद कहाँ आना है हमको, चौथा मोक्ष है। लेकिन जो लोग क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम में फुल स्टॉप डाल देते हैं, तो मोक्ष के बारे में किसी को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन भागवत क्या बोल रहे हैं कि आप सामान्य जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष करना है, वो तो सामान्य जीवन में है, दिया गया इसको करना ही है, कलयुग में कोई नहीं कर रहा है। अभी भागवत क्या बोल रहे हैं कि ये कैतव धर्म है। कैतव का मतलब क्या है, कैतव का मतलब क्या है, चीटिंग, हाँ, ठगना, ठगना, हाँ, ठगना, ठगना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये धर्म अर्थ काम से क्या हो रहा है, लोग वहीं अटक गए हैं, तो ये ठगना ही है ना, क्योंकि उससे 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 आगे नहीं जा रहे, लोग मोक्ष के बारे में सोच नहीं रहे, फुर्सत नहीं है, इच्छा नहीं है, बहुत सारा कारण है। लेकिन जो एक प्रक्रिया है वो आपको सिर्फ धर्म अर्थ काम में अटका रहा है, वो चीटिंग है ना, ठकना ठकना है, ठकना ठगना ठगना ही है वो। तो भागवत क्या बोल रहा है कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ो, ये छोड़ो उसको, फिर क्या करना है, कृष्णा क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भागवत कब शुरू होता है कि जब एक आदमी भगवत गीता पढ़ता है, भगवत गीता का अंत में भगवान बोल रहे कि ये सब छोड़ो, ये सबको गोली मारो, क्या करो, मुझ में शरण हो जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा, मैं सब कुछ देख लूंगा। सो भागवत वहां से प्रारंभ होता है। तो भागवत जब प्रारंभ हो रहा है तो बोल रहे कि व्यासदेव बोल रहे हैं कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब ठगना है, उसको छोड़ो, उसके पीछे जाओगे तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जन्म मृत्यु चक्र में फंस जाएंगे हम। लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, जीवन का लक्ष्य सुख बोला सब सबने, हाँ, सुख का प्राप्ति का मार्ग क्या है, असली सुख, ये जो सुख के बारे में हम कभी और बताएंगे, जो हम
इस भौतिक जगत में जो हमको सुख मिलता है उसका क्वालिटी को समझने के लिए अगर हम डेजर्ट में जाएंगे, डेजर्ट का मतलब क्या है? हाँ, रेगिस्तान ना, पाकिस्तान नहीं, रेगिस्तान। अगर रेगिस्तान में जाएंगे और आपको बहुत पानी पीना है आपको, और आपको एक बूंद पानी मिलेगा, ठीक है क्या? संतुष्ट है क्या आप? एक बूंद पानी, बहुत पानी प्यास लगी है लेकिन एक बूंद पानी मिलेगा आपको बस। ये भौतिक जगत में जो हमको सुख मिलता है इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो भौतिक जगत में सुख है लेकिन वो बहुत कम है और तात्कालिक है, अशाश्वत है। हाँ, और उससे हमको असली सुख नहीं मिल रहा है। असली सुख का मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा था। हाँ, भगवत कृपा नहीं, हमारे अनुभव में क्या है, जब ये सुख मिल जाता है फिर उसके बाद में आप बोलते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये आनंद है, इससे आगे मुझे और कुछ नहीं है। लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है कि कभी हम संतुष्ट रहते हैं, कुछ मिलता है, इसको प्राप्त करना है, प्राप्त करने प्राप्त करने, ठीक है, क्या काम किया 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 किया, ठीक है, 6 महीने के बाद मिल गया और फिर अगले 6 महीने का प्रोग्राम चालू। हाँ, हेलीकॉप्टर, फिर हेलीकॉप्टर मिल गया प्रभु को, गार्ड चाहिए उनको। हाँ, तो भौतिक जगत में हमको संतुष्टि ऐसे कुछ चीज ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम ये इस मार्ग से हम जब सुख जब हम प्राप्त करते हैं तो वो हमको संपूर्ण तृप्त कर देता है। और इसके लिए बहुत श्रम करने का आवश्यकता जरूरत नहीं है, बहुत आसान है भगवान की भक्ति। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ो, भगवान की भक्ति करोगे तो जीवन में असली सुख मिल जाएगा। ये पहली बात है इस श्लोक में, धर्म प्रोज्जित कैतव। तो भागवत बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, नहीं चाहिए हमको, सिर्फ भगवत भक्ति चाहिए। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर जो निर्मत्सर है, हिंदी में प्रवचन देना इसे आसान है, बहुत सारे संस्कृत के पद होते हैं। निर्मत्सर जिसमें मत्सरता नहीं है वो निर्मत्सर है, भागवत उनके लिए है। मत्सर का मतलब क्या है, किसी के पास है तो हम उसको क्यों, मुझे चाहिए। हाँ, मैं वो चीज एक्चुअली मुझे योग्य है, उसके लिए नहीं है, ये मत्सरता है। तो निर्मत्सराणाम जो निर्मत्सर है वो भागवत पढ़ते हैं, भागवत श्रवण करते हैं। ये नहीं कि हमको सब कुछ ये जीरो होना चाहिए, कुछ हमें मत्सरता है ही नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसको निकालने में हमको ज्यादा दिलचस्पी है, वो नहीं चाहिए हमको। ऐसे जो लोग है वो भागवत सुनते हैं, क्योंकि भागवत में पैसे का कुछ नहीं है, बिजनेस का कुछ नहीं है, धंधा का कुछ नहीं, कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ भगवान की भक्ति है। निर्मत सराणाम सताम, सताम जो है भगवान की भक्त है, श्रेष्ठ जीव जो है, जो जिनका जीवन में उद्देश्य एक ही है कि मैं कुछ भी करूं भगवान की संतृप्ति। तो ये सताम, तो ये सताम निर्मत सराणाम सताम जो है वो भागवत श्रवण करते हैं, और उनके लिए ये धर्म अर्थ काम मोक्ष उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनको उसमें आसक्ति नहीं है। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शेवदम, वेद सब वेद में जो असली वस्तु है, जो असली वस्तु है वो बहुत शिव है। शिव का मतलब क्या है, मंगल, मंगल है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वो मंगल है, क्यों मंगल है, क्या करता है वो, तापत्रयोन्मूलनम। तापत्रय का मतलब क्या है, हिंदी में है तापत्रय है पद वर्ड, हाँ, तीन तरह का ताप, तकलीफ प्रॉब्लम, क्या है तीन तरह का तकलीफ, हाँ, तीन तरह का, हाँ कर सकते हैं। शास्त्र में बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक का मतलब क्या है, देह और मन से जो हमको तकलीफ होता है वो आध्यात्मिक है। आदि भौतिक, हम जीवन में क्या करते हैं, हाँ, उंगली, हर वक्त
रेडी रहता है ना। नहीं आपने ऐसा किया ना, हाँ ये दूसरे लोगों से हमको जो, या दूसरों जीवों से जो हमको तकलीफ होता है आता है, उसको आदि भौतिक और आदि दैविक। दूसरे नहीं, भगवान की प्रकृति का विकोप, जैसे कि क्या ये सुनामी आ गया ऐसे, भूकंप, ये सब। तो ये तीन तरह का हमको जो है त्रास, वो ताप देते हैं हमको, वो हमारे कर्म फल के हिसाब से ये सब है। लेकिन भागवत क्या करता है, तापत्रय उन्मूलनम, निकाल देता है। क्या है, क्या कोई किसी को कष्ट चाहिए जीवन में? हाँ कोई नहीं है। वो बच्चों, बच्ची को भी मैं पूछूंगा तो वो बोलेगी नहीं चाहिए मुझे, मुझे संतुष्ट रहना है, सुख सुख चाहिए सब। हाँ ये हमको शाश्वत सुख हमको चाहिए, तो उसके लिए मार्ग क्या है? जो भी हमारा कर्म फल है उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे कर्म फल? एक ही मार्ग है, भगवान की भक्ति। उसके हिसाब, उसके उसको छोड़ के हमको दूसरा कुछ मार्ग ही नहीं है। तो ये बोल रहे कि तापत्रयोन्मूलनम, निकाल देगा सब कुछ। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, किसने बनाया, किसने दिया ये ग्रंथ? महामुनि, महामुनि कौन है? व्यासदेव जी, व्यासदेव जी महामुनि कृते। जब उन्होंने दिया है तो वे बोल रहे हैं ये श्लोक कि किं वा फरैर ईश्वरा, और कुछ क्यों चाहिए हमको, और दूसरा कुछ ग्रंथ हमको क्यों चाहिए? नहीं चाहिए हम, क्योंकि व्यासदेव, आगे हम पढ़ेंगे कि व्यासदेव कब भागवत का रचन करते हैं। वो उनके जीवन में बहुत परिपक्व स्थिति में थे, आध्यात्मिक मार्ग में वो बहुत ऊंचे स्थान पे थे। हाँ जब तब उन्होंने उनके गुरु से, उनको लेकिन संतुष्टि नहीं था, बहुत दुखी थे, लेकिन क्या ये सब हम, मैंने वेद किया, ये वेदों को चार भाग किया, पुराण किया, इतिहास दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मन में अभी भी इतना सुख नहीं है। फिर नारद मुनि आते हैं, उनका गुरु, तो नारद मुनि से पूछते कि गुरु महाराज आप बोले क्यों मेरा मन में संतुष्टि नहीं है? तो बोलते कि तुमने भगवान का भक्ति में कुछ बारे में कुछ नहीं लिखा, लिखा है इधर उधर ढूंढना पड़ेगा वेदों में, हाँ लेकिन पूरा एक जो ग्रंथ है सिर्फ भगवान की भक्ति के ऊपर, वो लिखो, फिर तुमको सुख आ जाएगा, तुम संतुष्ट हो जाओगे। फिर उसके बाद में व्यासदेव, व्यास जी भगवान का ध्यान करता है, समाधि में जाके भगवान का ध्यान करते हैं, फिर भागवत पुराण हमको मिलता है। तो ये बोल रहे कि उन्होंने सब कुछ ढूंढ, सब वेदों में जो भी था उनको सब पता था, लेकिन उससे भी उनको संतुष्टि नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि हमको ये प्रयास करने का कुछ मतलब नहीं है ना, वो ढूंढ 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 के आखिर में कहाँ आएंगे हम? यहीं आएंगे, क्योंकि अभी क्या है, जो पुस्तक का एक लेखक है, उसको अंत में क्या है उसको पता है ना, हम शुरू से पढ़ते हैं आखिर, आखिरी पेज तक आएंगे फिर हमको पता चलेगा ओ ये था विषय। ये तो व्यासदेव वही है लेखक, वो बोल रहे हैं कि और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, इसको शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्टकट है ना, हमको कुछ काम करवाना है तो हम सीधा साधा जाएंगे, घुसा क्या बोलते हैं, करप्शन, पैसे नहीं देंगे, हाँ घुस घुस नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। शॉर्टकट चाहिए तो क्या करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए, हाँ अच्छे आप भी, हम भी अच्छे आ जाओ। तो ये शॉर्टकट है, हमको ये लॉन्ग, ये बहुत टाइम लेने वाला ये नहीं चाहिए, शॉर्टकट है। जब हम भागवत आते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन। तो इसलिए बोल रहे कि वेद व्यास जी जो ये सब दिया है वो बोल रहे कि ये सब नहीं चाहिए, भागवत में आओ, भागवत श्रवण करो। सद्यो हृद्यो रुद्यते, हाँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, सद्यो, सद्यो का मतलब है बहुत शीघ्र, बहुत शीघ्र। हाँ हृदय वरुध्यते, हृदय में भगवान विराजमान हो जाएंगे। हाँ कब? सद्यो हृदयवते त्रिकृति भी शुश्रूष भी तत्क्षणास्, जो मन लगा के भागवत श्रवण करता है उसका जीवन में क्या होता है, भगवान अति शीघ्र उनका हृदय में स्थान ले लेते हैं, विराजमान हो जाते।
तो अगर हमको भगवान को हमारा हृदय में आना है, ये से हमको कुछ आशा है, तो आसान रूप है भागवत श्रवण। तो हो गया, ये अगले हफ्ते थोड़ा और इसके बारे में बोलेंगे। और हमारा उद्देश्य ये है कि विषय को जानना, और बहुत सारा है भागवत में, बहुत बहुत सारे विषय है। भागवत श्रवण करने से हमको, मेरा हिंदी से कुछ नहीं होगा, लेकिन ठीक से हम कीर्तन, कोई कीर्तन करने वाला और श्रवण करने वाला है तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे भागवत श्रवण से। तो आपसे भी प्रार्थना है कि आप सब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा थोड़ा हिंदी भी सुधर जाए तो आसानी होगा। है ना, ना? नहीं नहीं, ये अटक अटक रहा है, ये इसे अटक नहीं चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, ऐसे कि स्मूथ चलना चाहिए गाड़ी। तो किसी को कुछ प्रश्न है तो प्रयास कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, हम 40 मिनट से ज्यादा नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कलयुग में लोग के पास समय नहीं है और मन क्या होता है, विचलित हो जाते हैं। हाँ, ओके ओके। उससे पहले, वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए, देने से पहले, बड़ों को कुछ प्रश्न है क्या? किसी को कुछ प्रश्न है जो हमने आज सुना श्रवण किया? हे, यहाँ हाथ ऊपर गया और आप पूछ रहे, मैं सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, वो बाद में पूछेगी। हाँ बोलिए। किसी को पता नहीं, अच्छा बुरा के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है ना, मजा करो, ऐश करो। नहीं, लेकिन उनको सुनना है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब सुन, देखिए एक बात है, सुनने का मतलब क्या है, सिर्फ एक पद वर्ड है सुनना। सुनना का मतलब क्या है, ऐसे से यहाँ नहीं, उसको सुनना नहीं बोलते। सुनना है तो यहाँ जाके अंदर जाना है। अगर कोई इसको सुनता है तो लाइफ बदल, उसका लाइफ में बदलाव आता है। लेकिन लोगों को क्या है कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं, लोग क्या बोलते हैं, मुझे सब कुछ पता है, भगवत गीता पढ़ लिया मैंने। पढ़ लिया आपने भगवत गीता का कंक्लूजन क्या है, अंत में क्या बोल रहे भगवान? हाँ नहीं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, उनको क्या है कि श्री यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुतर तत्र श्री विदयर्भूत, हाँ सब ऐश्वर्य है, संतोष है ना भगवत गीता। लेकिन वो संजय का बात है, कृष्ण का बात क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो अगर भगवत गीता हमने पढ़ा है तो भगवान का शरण लेना चाहिए हमको। तो क्या है कि लोगों को सुनने का ये नहीं है, सिर्फ बोलने का है ना। कोई सुनता है क्या? बात करने में हम कुछ बोल रहे हैं कि हम, बात कब खत्म होगा तेरा, बात मुझे बोलना है आगे नेक्स्ट, है ना। अभी मन में सोच रहे कि अगले क्या बोलना है, आगे में क्या बोलना है मुझे। सुनने का कुछ, किसी को कुछ है ही नहीं है। सुनेंगे तो डेफिनेटली चेंज होगा लाइफ, सुनेंगे नहीं लोग, इसलिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे हाथ में जो भी है हम करने का प्रयास क्यों? जितने लोगों को ये संदेश जाएगा उतना अच्छा है। तो सबको इसलिए मैंने बोला कि प्रवचन के बाद में क्या करना है, इसके बारे में जाके किसी और को बताना है। हम ये क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं ना, बिजनेस लोग सबको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? नहीं नहीं, लोग का ऐसे ही प्रवृत्ति नहीं है सुनने के लिए, सुनाना पड़ता है ना। क्या करना है, सुनाना पड़ता है। सुनाना है के लिए क्या, हमको पहले हमको जानना है। जब हमको कुछ समझ में आ, हम जाने, हमारा जीवन में अगर हमने कुछ बदलाव आया है तो हम किसी और से और को बोल सकते हैं कि अभी देखो भाई मैं भी ऐसे ही कर रहा था,
लेकिन जीवन में कुछ खुशी नहीं था। अभी तो मैं संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, ऐसा है क्या? क्या किया आपने? भगवान के नाम जप करो। जब हम करते हैं तो दूसरों को बोलने में इतना मुश्किल नहीं होता है। तो पहले हमको सुनना है, फिर हमको प्रयास करना है, फिर दूसरों को बोल सकते हैं। रोपा जी इतना ही है? रोपा जी पूरा दुनिया में क्या किया उन्होंने? इसको दिया, ये ज्ञान को दिया। फिर अभी अभी सिर्फ भारत में नहीं, बहुत सारे दूसरे देशों में कितने सारे भक्त हैं। प्रभुपाद जी जब वो 1970 में गए भारत से बाहर, तब तक कहाँ थे कृष्ण भक्त? भारत में थे, भारत के बाहर कोई नहीं था। कैसे भक्त बन गए? वो तो हमारे से 1000 गुना गिरे हुए लोग हैं, 1000 1000 10,000 times गिरे हुए लोग हैं। उनका जीवन में संस्कृति ऐसा कुछ नहीं है। वहां से सीखे हम क्या कर रहे हैं आज? यहाँ नकल कर रहे हैं। वो पीते हैं, हम क्या बोलते हैं? हाँ, वो वहां घर में पीता है, मुझे क्यों वहां बाहर में जाना है, मैं भी घर में पीऊंगा। हाँ, वो पैंट लब डाल रहे हैं। पहले हम हमारा क्या क्या कपड़े पहनते थे हम? पहले धोती है ना। सब आपकी सब जो आप जहाँ जहाँ भी आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं, धोती है, धोती कुर्ता। अभी हम क्या कर रहे हैं? धोती, ठीक है ना? आप धोती पहन के घूम रहे भाई, संडे को शॉपिंग मॉल धोती पहन के आगे। दिमाग तो खराब ही नहीं है, खराब ही है आप। तो हम क्या कर रहे हैं? उनसे सब कॉपी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी वहां जाके चेंज किया लोगों को, वहां जाके। तो उसका मतलब क्या है कि इसमें उतना शक्ति है, क्योंकि ये भगवान का नाम है। ये कुछ ऐसे हम कुछ कथा नहीं कर रहे, ये भगवान का कथा है। भगवान और भगवान का जो उपदेश है उसमें कुछ भिन्नता नहीं है, एक ही है वो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। भगवान के नाम में भगवान ने क्या किया कि उनका जब सब कुछ पूर्ण शक्ति जो है उनका नाम में डाल दिया है। तो हमको सिर्फ कृष्णा उनका नाम लेंगे तो भगवान का शक्ति से अभिन्न है वो, उतना शक्ति है उसमें। तो इसको हम लेंगे तभी हमारे जीवन में हमको पता चलेगा कि इतना शक्ति है नाम में। फिर हम दूसरे लोगों को वो जाके बोलेंगे, अरे बाबा बहुत शक्ति है, करो तुम भी। तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मैंने बोला ABCD, कुछ मुश्किल है क्या? भक्त का संग, भक्तों का संग, एक हफ्ते में एक बार आइए, और जाना आना है तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन संडे एक बार। हाँ, पुस्तक पढ़ना है, अभी तो पढ़ रहे हैं हम भागवत। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो आप घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं तो 3 4 फ्रेंड्स लोग जो आजू बाजू में है उनको सब लेके तो 15 मिनट आधा घंटा पढ़िए, हो गया। नहीं है तो नहीं है, ठीक है, अभी के लिए हफ्ते में एक बार। जप करने में करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एक जप माला चाहिए और दिन में 10 15 मिनट 20 मिनट होगा तो हो गया, जप शुरू कर सकते हैं। प्रसाद तो माता जीओं का काम है। हाँ, आप तो आपको खाना अच्छा है लगना चाहिए ना, बस वो कर लेंगी ना। सिर्फ उसमें हम थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं कि अनियन, अनियन को क्या बोलते हैं, प्याज और लहसुन, लहसुन पता है मुझे। हाँ, अनियन और लहसुन नहीं डालना है, बस प्याज और लहसुन नहीं डालना है। प्रेम से भगवान को, सब यहाँ सस्याहारी है ना, तो उसके बारे में हमको कुछ बोलने का नहीं है। तो भगवान को प्रेम से अर्पण करो, उसको खाओ, बस हो गया। मुश्किल है क्या? प्रयास करेंगे, ये हमारा जीवन में ये नहीं, वो ये सब उनको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ आप जप करना शुरू कर दीजिए बस। हाँ, करे कीजिए ना, फ्रूट्स है, मिल्क है, सब कुछ जो भी है आपको दूसरा पहले अर्पण कीजिए। ये क्या है, भोग लगाइए, भोग तो लगानी चाहिए आपको। जो आके आपके खाना में प्याज लहसुन ये सब है तो जो भगवान ही दे रहे उस वही लेके उनको ऑफर कीजिए पहले। अभी देखिए क्या है कि भगवान क्या देख रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ये नहीं देख रहे कि आप क्या क्या कितना आइटम दे रहे हैं मुझे। भगवान को भूख है क्या? हाँ, आपके खाने के लिए वेट कर रहे हैं क्या रोज भगवान? नहीं, उनको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। तो भक्ति आप प्रयच्छति, जो भी आप अर्पण करेंगे प्रेम से कीजिए, भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान क्यों? भगवान स्वीकार करने से क्या होगा? उनका
कृपा हमारे ऊपर आएगा, फिर लहसुन क्या कुछ भी छूट जाएगा, कुछ बड़ा बात नहीं है। नहीं, सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, लेकिन वो हम पहले नहीं बोलते। आपको क्या आज नहीं छोड़ना है? नहीं छोड़िए, जब कीजिए बस। नहीं, वो तो अभी आप अभी प्रसाद हम लेंगे ना, पता चल जाएगा। हाँ, वो तो प्रैक्टिकल छोड़ देंगे हम, बात करने से कुछ पता है पता नहीं। अभी प्रसाद हम होगा तो आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रसाद हम का मतलब क्या। लव इट बड़ी थी मैंने ना लिया। सो इतना मुश्किल नहीं है। जब हमको वो कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा का मतलब के कि ये क्या है, अभी हम लो क्लास, ये इसको क्या बोलते हैं, लो क्लास सुख है ये, लो क्लास, लो क्लास सुख है, हमको हाई क्लास सुख चाहिए। हेलीकॉप्टर बोल रहे थे, हाई क्लास है। हाँ, मैं साइकिल में जाऊंगा तो लो क्लास है, हमको हाई क्लास सुख चाहिए। हाँ, हाई क्लास सुख अभी आप खाएंगे भगवान का प्रसाद, ये हाई क्लास है, तो आपको ही पता चल जाएगा, वो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब कीजिए, मैं क्या बोलता हूँ, पहले सब एवरी सब लोग, बच्चों के बारे में आप पूछ रहे थे, क्या करना है आपको, कीर्तन अच्छा है, अच्छा लगता है, जब आप आए कीर्तन चल रहा था, अच्छा लगता है कीर्तन, कीर्तन करो रोज घर में। नहीं छोड़ो, मैं आपका पिता है ना, बाद में बात करूंगा आपसे। ये बहुत आसान है, कीर्तन करना है, करताल सीखना है आपको, करताल कहाँ है, करताल, करताल, हाँ सीखो। देखिए, भक्ति का एक हमको आप हमको जानना है कि भक्ति में क्या होता है कि हमको जो भी भगवान के सेवा में जो भी अच्छा लगता है, हमको पहले उससे स्टार्ट करना है। अगर किसी को गाना अच्छा लगता है तो यहाँ ये 6:15 को क्या बोलते हैं, 6:15 तो पता नहीं, सवा छः, ये सवा और पौने में थोड़ा कंफ्यूजन है, 45, हाँ सवा छः बजे से यहाँ कीर्तन शुरू होता है, भजन और आरती तो डेली डेली तो होता है, डेली तो होता है, लेकिन अभी संडे का प्रोग्राम 6:15 को शुरू होता है। 6:15 को अगर आप आएंगे, हाँ रोज क्या टाइम है प्रभु, 5:00 सुबह मंगल आरती, वो तो 5:00 ठीक है, शाम को 7 बजे शाम को, सुबह न सुबह शाम को, हर रोज नहीं होता है। इवनिंग प्रोग्राम वी हैव एनीथिंग एवरी डे, ओनली वीकेंड्स, ओके। वो बुक पुस्तक वितरण करने के लिए भक्त लोग बाहर गए, तो सुबह होता है 7 बजे, अगर आ सकते हो सके तो आ सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि आपको गाना है तो 6 बजे भानवार शाम 6:30 बजे 6:45 बजे शुरू होगा। आप हफ्ते में 1-2 बार आइए, यहाँ भक्त है उनसे वो सिखाएंगे आपको, बुक है वो पढ़ सकते हैं आप, सीख सकते हैं और यहाँ गा सकते हैं। किसी को अभी थोड़ा जब भक्त जुड़ जाते हैं और हमको पता चल रहा है कि ये इतने सारे लोग आ रहे हैं तो हम यहाँ प्रसाद हम शुरू करेंगे करने के लिए, सब कौन करेगा, हम सब मिलके करेंगे तो सेवा हो जाएगा। माता जियों को खाना पकाना है तो खाना पका सकते हैं, तो इससे हमको हमारे में जो भी है जो भगवान ने दिया है उसको भगवान उससे हमको भगवान का सेवा करना है, इतना ही है। हाँ, तेरा तुझको अर्पण, जो हम गंगा में जाते क्या करते हैं, नहीं हेलीकॉप्टर में करने दो। नहीं देखिए, हेलीकॉप्टर कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ से हमको कहीं जाना है, हमको मायापुर जाना है, अभी प्रभु जी के हेलीकॉप्टर में जाएंगे ऐसा कुछ। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, युक्त वैराग्य बोलते हैं, युक्त वैराग्य। हाँ, बॉडी गार्ड भी लेके जाएंगे, उनको भी दर्शन मिलेगा ना, उनको भी प्रसाद मिलेगा। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है कि जो भी भगवान ने दिया है उसको भगवान की सेवा में लगाओ, हमारे सेवा में नहीं। हम क्या करते हैं, वही गलती करते हैं, हम सबको हमारा सेवा में लगाते हैं, हम उसको भगवान की सेवा में लगाओ, बस हो गया। हमको ये नहीं कि संन्यास नहीं बनना है, आप डरिए मत, वो सिर्फ वो है, वो करेंगे संन्यास, हमको नहीं, हम संन्यास लोग नहीं है। हाँ,
लेकिन भोगी भी नहीं होना चाहिए, यही है डिफरेंस। भोगी क्या है, सब कुछ मेरे आनंद के लिए है, नहीं, हमको भौतिक संसार में रहना है लेकिन भगवान का संतुष्टि के लिए रहना है, वही भागवत का उतना ही है। तो रोज जप कीजिए, 5 मिनट निकालिए रोज, 5 मिनट। हाँ, किसी के किसके पास जपमाला नहीं है तो आप जपमाला लीजिए। हाँ, हमारे पास है प्रभु जपमाला, मुरारी प्रभु, हाँ वी हैव जपमाला है, जिनको चाहिए लेख के ले जा सकते हैं आप। हाँ, जप करने में करने का बहुत आसान है। तो ऐसे नहीं प्रभु, ये कीजिए, ये क्या है ना, वो आप जब बाहर कर रहे हैं तो कीजिए, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं उसमें कीजिए। ये क्या है, इसका इसका एक्चुअली ये नीम का है। नीम का मतलब क्या है हिंदी में पता नहीं मुझे, नीम ही है, नीम। ये पवित्र है। हाँ, दो है, दो चीज है जो बहुत पवित्र है, एक है और तुलसी है। तुलसी हम थोड़ा परिशुद्ध होने के बाद हम तुलसी में जप करते हैं। इसमें क्या है, दो चीज होता है, एक तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन चाहिए हमको लाइफ में, है ना। हाँ, रोज हम डांटते हैं बच्चों को। हाँ, रोज सुबह उठ के ठीक से ब्रश नहीं कर रहा है तो बोलते नहीं ठीक से करो। डिसिप्लिन चाहिए हमको घर में, है ना, हमको भी डिसिप्लिन चाहिए, हम बड़े हो गए लेकिन हमको भी डिसिप्लिन चाहिए। क्या डिसिप्लिन है, कि रोज मुझे 7 बजे बैठ के 5 मिनट 10 मिनट भगवान का जप करना है। 7 बजे तो 7 बजे, 8 बजे तो 8 बजे, 5 बजे तो 5 बजे, आपको जो ठीक लगेगा उतना टाइम, लेकिन इसको लेके बैठना है, एक जगह बैठना है। हाँ, सब मोबाइल फोन को क्या करना है, बाहर रख दीजिए, फेंको नहीं, ये आईफोन है, कौन फेंकेगा आईफोन, आईफोन है ना ब्रो, हाँ आईफोन, 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 हाँ तो आईफोन है, फेंकेगा नहीं तो उसको रखेंगे बाहर। हाँ, तो और पूरा एकाग्रता से हम जप करेंगे। इसमें क्या है कि एक मुख्य मणि है, यहाँ मुख्य मणि जो ये वाला है ना, जो भी उसको मुख्य मणि बोलते हैं, इसमें एक मैं मंत्र बोलूंगा, अगर आप रिकॉर्ड करना है तो किसको जिनको जपना है रिकॉर्ड कर लीजिए, नहीं तो हमारा प्रभु जी है आपको बोल देंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, फिर से बोल रहा हूँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। ये पंचतत्व बोलते हैं इसको, हम बाद में बोलते हैं इसका मतलब क्या है। सरलता से गुरु आचार्यों को हम प्रणाम कर रहे हैं कि मुझे ये सेवा दो। हाँ, क्योंकि हम भगवान को ऐसे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, भक्तों की कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते, तो वो एक प्रार्थना है। उसके बाद में हम क्या बोलते हैं, हम इस उंगली से जप नहीं करते क्योंकि इसका थोड़ा दूसरा काम है। हाँ, तो इसको दूषित बोलते हैं, दूषित, तो इसको हम यूज नहीं करते। ये दोनों जो है मोक्ष और धर्म का संकेत है, तो इसको हम लेके क्या करते हैं, हर एक मणि के ऊपर हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हो गया। फिर अगले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इसमें एक माला में 108 मणि रहते हैं, तो ये एक माला करेंगे तो लगभग 6-7 मिनट लगेंगे। शुरू में एक माला कीजिए बस। इसमें क्या हमको क्या ध्यान देना चाहिए, कि हम जब भगवान की नाम ले रहे, किसी ने कोई हमारा नाम लेगा तो और ठीक से नहीं लेगा तो बुरा लगेगा ना हमको, इसलिए भगवान का नाम है अच्छे अच्छे तरह से बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जब बोल रहे भगवान का नाम उच्चार कर रहे तो हमको क्या करना है, सुनना है, सुनना है। मन को इधर उधर जाने के लिए परमिशन नहीं है, सुनने का प्रोसेस है। इतना ही है जब 5 मिनट रोज कीजिए, इसको कल से शुरू कीजिए। अगले हफ्ते जब आएंगे तो आपको आपके जीवन में ऑलरेडी कुछ चेंज आ गया होगा, वो थोड़ा और इंक्रीज करेंगे। तो ये क्या है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत डायबिटीज है, ओके बहुत डायबिटीज, क्या करना है, कल से सब कुछ कट, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये मेडिसिन लेना, ये सब। हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास सब लेके आ जाते हैं घर और बोलते हैं, अरे नहीं ये सब नहीं कर सकते। हाँ,
पहले पहले दिन नहीं करेंगे, पहले दिन 5 मिनट ही वॉकिंग जाएंगे। औषध मेडिसिन ले रहे हैं, खाना भी इतना एक ही दिन हम सब कुछ नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, थोड़ा एक हफ्ते में 2 हफ्ते में। तो हम जब वो डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है पूरा हम जब फॉलो करना शुरू करेंगे तब हमारे शरीर पे कुछ चेंज आएगा, है ना। इसे तो इसको हम इतना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, जो बहुत शुगर है उसको बहुत सारा करना पड़ेगा, है ना। अगर ये उससे आसान एग्जाम्पल है, अगर बहुत हम मोटे हैं और हमको वेट कम करना है, बहुत ज्यादा जो मोटे हैं ज्यादा एक्सरसाइज करना है उनको, इतना ही है। तो ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा हम तंदुरुस्त रहेंगे। तो पहले 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर आप जैसे उसको इंक्रीज करेंगे आपके जीवन में उतना चेंजेस आते रहेंगे। लेकिन कोई कुछ डरने का कुछ बात नहीं है, यहाँ कुछ प्रोग्राम आपका संन्यास का कुछ प्रोग्राम नहीं है, ये भक्ति का प्रोग्राम है, आनंद का प्रोग्राम है ये। सब जीवन में सुख सुखी हमको रहना है, भगवान की केंद्रीकृत जीवन ये बोलते हैं, भगवान जीवन का केंद्र है, उतना ही है भक्ति, ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं है तो आज हम यहाँ खत्म करेंगे, प्रसादम का समय हो गया। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेता गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऑनलाइन डिवोटीज, हरे कृष्णा।